एक दे दो। एक मलाई लिया है मैंने और चाची ने लिया है, कौन सा है, मैंगो। 11 लोग सब आए थे तो भाई किसी को प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं मुस्कान का बुखार लेके अब ये वेट कर रही है कि हम लोग को बुखार मिले ना। 11 मस्त, देखो स्टार स्टार बना है, सोने की दुकान उकान सब सजी हुई है। बाप रे, दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है अच्छा की मस्ती भरी दुनिया में। सो दोस्तों मॉर्निंग हो चुका है, सुबह के बज गए हैं 9 और मैं जिम से भी जाके आ गया। आज जिम के इधर मैंने क्लिप्स नहीं लिया और अभी एक लोग से आप लोग को मिलाते हैं। बोलो कियारा आ गई है, गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग। अब बेचारे बच्चे लोग किधर गए, खराब हो रही है, नहीं हो रही है कियारा का, आवाज खराब हो गया है, उसका आम भी गर्म है। तेरे को क्या लगता है, मेरे को नहीं समझ में आता है बच्चों का दिमाग कब खराब है कि नहीं। तू जब से जैसा पैदा हो गया वहाँ रही तब से मालूम है। अरे बाप रे, अच्छा ऐसा है क्या। और ये कियारा, कल कियारा के दोनों भाई ब्रदर लोग चले गए और ये जानबूझ के इधर रुक गए, कहीं नहीं उन लोग को छोड़ने के लिए। कैसी लड़की है ना तू कियारा, तो मैं ब्लैक पहन के गया। दोस्तों चलो अभी निकलते हैं, टाइम है नहीं, मेरे पास 15 मिनट ही बचे हैं और घिस्सू पीठ टिकाएंगे थोड़ा सा और घिस्सू करने जाना भी है क्योंकि आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन। तो देखते हैं आज कैसा जाता है हमारा दिन। फिर मिलेंगे शाम में कियारा और जॉयसी से, डायरेक्ट रात में मिलेंगे क्योंकि जाऊँगा घिस्सू करने। कब ये घिस्सू से मेरे को फुर्सत मिलेगी आई डोंट नो, बट आई लाइक घिस्सू डूइंग। तो यहाँ पे जॉयसी भी है, फिर मिलेंगे। क्या मैं बोल खुद ही बोल रहा था कि मंडे नहीं होना चाहिए, बड़ा भी क्या कर सकते। अभी किस दिन मिलता है, अभी देखते हैं। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, हम लोग लाइव स्ट्रीम भी किया आधा घंटा, टाइम नहीं था ना तो एक घंटा करते। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो मैं ग्रैंड रोड पहुँच गया और ऑफिस अभी तक खुला नहीं है, वो देखो हम लोग ऑफिस किसी भी कह रहे ऑफिस अभी बंद है, अभी तक कोई नहीं आया। तो चलो अभी काम पास करते हैं, थोड़ा वॉक आउट करते हैं यहाँ पे गार्डन में और फिर मिलते हैं। लंच टाइम हो गया था एंड ऑफिस का काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 दिन काम कर रहे हैं और आज पता चल गया कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, नहीं तो पहले सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे था, 4 दिन की छुट्टी है और 3 दिन का काम का प्रेशर हम लोग कर रहे हैं। मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब ठीक क्योंकि बाद में छुट्टियाँ करके। और यहाँ पे लंच टाइम हो गया था तो मेरा लंच है देखो, स्क्रैम्बल एग, ठेचा, चपाती और ये फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स, पोटैटो और कैरेट की भाजी बनाई थी। और यहाँ पे कियारा मैडम में बीमार हो चुकी है अपने भाई लोगों का बुखार लेके, अब ये वेट कर रही है कि हम लोगों को बुखार मिले ना। कियारा जय बैती गनाक गंगा, सब चालू हो गया इसका, सर्दी बुखार, यहाँ पे कोरियन नूडल्स खा रही है गाइस। बुखार है नहीं पर वो गला बैठ गया, बुखार है उसके अंदर से ही बुखार है। ये दे दिया था कियारा को, टैबलेट दे दिया था मैंने, अभी थोड़ा विक्स भी लगा के उसको कंबल ओढ़ के उसको बोलूंगी सो जाए ताकि गर्मी में वो पसीना निकले, उसकी वजह से उसका गर्मी बाहर आएगा। और अभी मेरे पास विक्स पॉड्स है तो रात में विक्स पॉड डाल के उसको स्टीम लेने को बोलूंगी तो उसको क्या पूरा रात में अच्छे से नींद भी आ जाएगा। और कियन के साथ ये करने के लिए, कियन तो वो कंडीशन में ही नहीं था, वो दिमाग और ख़राब करता क्योंकि वो फिर बीमार में वो कुछ सुनता नहीं है। और अभी वो लोग दोनों बॉयज़ घर पे है, मम्मी बोली कि उन लोगों का भी तबीयत ख़राब है, यहाँ पे इन मैडम का भी तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से हम लोग ने अभी नया प्लान बनाया है कि बॉयज़ को हम लोग थर्सडे को मम्मा मतलब मम्मी को बोल के जॉइनर को बुला के थर्सडे को बॉयज़ को छुड़वा दूंगी सुबह में, तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को इन लोग को हम लोग घर पर छोड़ देंगे, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। तो अभी चलो गाइस लंच करते हैं, वहाँ पे हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, चाहत और अविनाश की मम्मी आए हैं, उन लोग का एकदम वर्ल्ड वॉर चालू है। खाना खाते हैं और उसके बाद वापस से लग जाते हैं ऑफिस के काम के लिए और फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर ऑफिस आवर्स। खत्म हो गए थे और एकदम अंधेरा है क्योंकि वहाँ पे कियारा सो रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो हम लोग उसको जाने वाले घर छोड़ने के लिए। और मैंने आज खाने में चिकन करी बनाया है, मैं इसका क्लिप लेना भूल गई थी गाइस, ये रहा मतलब चिकन करी क्योंकि अज्जू का फरमाइश था कि उसको मसालेदार चिकन करी खाना है, पर स्पाइसी नहीं पर मसालेदार मैंने बनाया है। और इतने फटाके फूटने की आवाज़ें आ रही है बाहर से, मतलब पूछो मत, देखो लाइटिंग देखो कितना प्यारा लग रहा है दिवाली में, हर एक घर में लाइटिंग है, इधर सामने फिर उधर भी इतने सारे घर चमक रहे हैं, फिर यहाँ पे भी है बहुत सारा लाइटिंग, वहाँ पे भी है बहुत सारा लाइटिंग गाइस। और मौसम भी एकदम ऑन एंड ऑफ है, कियारा उठ चुकी है नींद से, वापस से सोने जाएगी वो, उसका तबीयत ख़राब है ना इसके लिए। और अभी अज्जू भी पहुँच गया है,
आ ही रहा होगा घर पे, पहले उसके घर पे जाएगा फिर इधर आएगा, फिर उसके बाद नहा आके खा आके फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कियारा को घर छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद दिवाली के लिए देखेंगे क्या प्लान बनता है आगे देखेंगे, पहले तबीयत इम्पोर्टेंट है। तो चलो भाई अभी फ्रेशन अप होते हैं, कियारा का सब सामान वगैरह मैंने डाल दी हूँ, पैक कर दी हूँ कियारा का बैग। अभी खाना तो खाने वाली है कि तेरा मन नहीं है? हाँ कियारा नहीं खाना खाने वाली है वो, बट वो भी देखेंगे कुछ छोटा मोटा अगर खाएगी ज़बरदस्ती, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है और उसको टैबलेट भी देना है, मैं तो टैबलेट भी दे दूँगी उसको। और अभी चलो वेट करते हैं अर्जुन के आने का और फिर मिलते हैं आपको। तो मैं पहुँच गया मीरा रोड और यहाँ पे देखो सो मच क्राउड आज भी, क्योंकि आज है मंडे और शॉपिंग का डे चालू है, दिवाली बस आने वाला है, 3-4 दिन में चालू हो जाएगा दिवाली, सब शॉपिंग में लगे भाई साहब। दिवाली की शॉपिंग जैसा हम लोग का ईद होता है ऐसा इन लोग का पूरा दिवाली का शॉपिंग चालू होता ही थे। बाप रे ये रास्ता अभी मेरे को बंद करना पड़ेगा दिवाली तक, सो मच क्राउड यार, ओनली बहुत पब्लिक है भाई इधर तो, बाप रे। ये देखो ये देखो, अरे भाई झाड़ू लगा दिया रे हाथ में मस्त, देखो स्टार स्टार बना है, सोने की दुकान उकान सब सजी हुई है, बाप रे सो मच क्राउड यार ओनली। ये देखो बाप रे कितना क्राउड है, जैन मंदिर पहुंच गया मैं दोस्तों और अभी भी यहाँ पे सब शॉपिंग के लिए पब्लिक ही पब्लिक है दिवाली की शॉपिंग में, सो मच क्राउड हियर ओनली। ये देखो सब रंगोली फोटो रंगोली सब स्टिकर वाला रंगोली सेलिंग ओनली, सो मच क्राउड। चलो चलते हैं फटाफट से और गाड़ी भी चलाते हैं, बहुत ट्रैफिक है भाई, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग नीचे आ गए हैं, मेरे साथ है जॉयसी और कियारा चली गई है बोरोली, घर में जाऊंगा तो स्टोरी बताऊंगा आप लोग को आगे। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, मतलब जा रहे हैं रॉयल कॉलेज से आगे आगे सीधा सीधा आइसक्रीम खाने के लिए, देखते हैं अभी अरुण आइसक्रीम खाते हैं या तो फिर वहाँ पे खाएंगे स्टूडियो के पास, तो चलो चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। देखो मिलते हैं आपको, नहीं आगे का व्यू नहीं दिखाते अभी रात है भाई और मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो हम लोग स्टूडियो के पास नहीं गए, हम लोग आए श्री गणेश कुल्फी आइसक्रीम शॉप जो यहाँ पे है अपना स्टेशन के रोड पे है, वहाँ पे नहीं गए स्टूडियो के पास क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रैफिक था। और अभी अंकल इधर है, कौन सा दे रहे हैं अंकल हम लोग को? चोको चिप है ना, ये ब्राउन डार्क ब्राउन, तो अभी लेते हैं है? मैंगो नहीं है ना, वो वाइट वाला कौन सा अंकल? टूटी फ्रूटी मावा मैंगो, और ये वाला कौन सा बोले? मलाई, हाँ ये दे दो, हाँ एक दे दो, एक मलाई लिया है मैंने और चाची ने लिया है, कौन सा है? मैंगो। तो अभी खाते हैं टेस्ट करके बताते हैं आपको। सेम ऐसा ही टेस्ट है जैसा हम लोग जूडियो पे खाते हैं, जूडियो के सामने खाते हैं, तो हम लोग उधर गए नहीं क्योंकि पूरा मच्छी मार्केट के इधर पूरा भरा पड़ा हुआ है भाई, इतना ट्रैफिक है ना वहाँ पे, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आइसक्रीम खाने लेट नाइट? लेट नाइट मतलब 10 बज रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग खाने का क्रेविंग था तो हम लोग आ गए थे, फिर घर पे जाएंगे फिर बातचीत करेंगे, थोड़ा सीरियस टॉपिक, बहुत दिमाग खराब है आज, तो फिर मिलते हैं। हम लोग घर पे आ चुके थे और मुझे ये बताना था कि कियारा ये लोग सब आए थे, तो भाई किसी को प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ इसके लिए लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कि इधर पे क्यों आए, तो भाई आज के बाद है ना मैं ना लेने जाऊँगा वो लोग को और ना बुलाने जाऊंगा, जॉयसी बुलाएगी तो जॉयसी जाए वो लोग को मिल के आए या घर पे जाए जिधर जाना है जाए उसको, पर इधर ना लेके आए भाई, आज के बाद मैं नहीं बुलाऊंगा बच्चे लोग को और ना ही कुछ करूंगा, वो जाने उसका काम जाने, जॉयसी जाने वो जाने, मेरे को भाई उन लोग से कुछ लेना देना ही नहीं है, खत्म कर दिया मैंने ये व्लॉग, इसके लिए एक क्लिप में ले रहा हूँ कि जॉयसी को ध्यान रहे कि भाई मैंने ये बोला था, और ना मैं जाऊंगा लेने और ना ये जाए, इसको जाना है जाए लेके आएगी, जिस दिन वो लेके आएगी तो उस दिन मैं ये घर पे नहीं रहूँ, मैं खुद चले जाऊँ। तो भाई आज का व्लॉग बहुत दिमाग खराब हो गया हम लोग को, मेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया आज, क्योंकि भाई सबका टाइम आता है
आएगा एक टाइम, तब बताऊंगा मैं। तो चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।